हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पालक से एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बना रहे हैं। बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसको बहुत आसानी से बनाकर रख सकती हो। इसको बनाने में 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता और खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो दोस्तों, बच्चे भी आसानी से इसमें पालक खा लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। तो फ्रेंड्स, आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बिना देर किए। यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसमें हम अच्छी तरह से धुला हुआ और बारीक कटा हुआ पालक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 कप पालक लिया है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इसमें 3 से 4 लहसुन, जिसको कि अच्छी तरह से क्रश कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। और इसी के साथ ग्रेटेड किया हुआ 1 इंच के अदरक का टुकड़ा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च को बारीक काटा है, उसी को यहाँ पे ऐड किया है। और साथ ही साथ कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर मैंने ऐड किया और साथ में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम रेड चिल्ली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने 1 हरी मिर्ची भी डाली है, उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। थोड़े से यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, जिससे कि इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे और साथ ही 1/2 चम्मच सौंफ भी ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा अजवाइन ऐड करेंगे और उसको भी हम हाथों से इस तरह से क्रश कर ऐड करेंगे, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए। और अब हम सॉल्ट ऐड करेंगे। तो स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक ऐड कीजिएगा। यहाँ पे हम काला नमक भी मिलाएंगे, इसलिए यहाँ पे 1/2 चम्मच मैंने वाइट सॉल्ट ऐड किया है और साथ ही साथ 1/2 चम्मच ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है। तो यहाँ पे लगभग 1 कप बेसन मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे पहले हम 1/2 कप बेसन मिलाएंगे और अगर ज़रूरत हो तो हम 1/2 कप बेसन फिर मिलाएंगे। तो हमने मिक्स कर लिया है और ऐसा लग रहा है कि इसमें 1/2 कप बेसन की और ज़रूरत पड़ जाएगी। तो अभी हमने इसको मिक्स करके देखा और ऐसा लग रहा है कि इसमें 1/2 कप बेसन की और ज़रूरत है। तो थोड़ा सा बेसन जो हमारे पास बचा हुआ 1/2 कप बेसन है, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये रेसिपी हाई प्रोटीन और हाई फाइबर कंटेंट है। इसमें हमने पालक का यूज़ किया है और बेसन बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। टेस्ट में भी ये बहुत अच्छी लगती है, तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारे बैटर की एकदम परफेक्ट है। और इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो जब तक बैटर रेस्ट कर रहा है, हम यहाँ पे ब्रेड्स ले लेते हैं और उसमें से ये जो डार्क कॉर्नर्स हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। तो 2 से 3 ब्रेड इस तरह से हम निकाल कर तैयार कर लेते हैं। ये जो कॉर्नर्स हैं, इनको आप ब्रेड क्रम्स के रूप में यूज़ कर सकते हो या कोई भी सब्ज़ी को गाढ़ा करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इनको आप वेस्ट नहीं समझिए। अब हम एक पैन ले लेते हैं और उसको गैस पे रख लेते हैं और उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल। तो दोस्तों, ये रेसिपी जो है बहुत ही कम ऑयल में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्ट लगती है। एक और बात, अगर आप चाहें तो यहाँ पे घी का यूज़ भी कर सकते हो। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, हमने ये स्लाइसेस इसके ऊपर रख देनी है और इसके बाद इस पर डाल देंगे वो बैटर जो हमने बनाया है बेसन और पालक का। तो ये देखिए, इस तरह से इसको अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। इसी तरह से दूसरी ब्रेड पर भी हमने इसको अप्लाई कर दिया अच्छी तरह से। थोड़ी सी मोटी कोटिंग रखिएगा। अब ये नीचे से जब अच्छी तरह से सिक जाए तो हमको इसको पलटना है। तो जब नीचे से ये ब्राउन हो गई, अब इसको धीरे से इस तरह से पलट दीजिए। तो दोनों ब्रेड इसी तरह से हम पलट कर रेडी कर लेंगे, ये देखिए। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है बेसन वाला, वो भी अब ब्राउन होने तक हम इसी तरह से सेकेंगे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम धीमा रखिएगा और इसको धीमी फ्लेम पर ही सेकेंगे, ताकि बेसन अच्छी तरह से सिक जाए और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेकेंगे। और ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो या फिर बीच में से 2 पार्ट्स में कट करके इसको सर्व कर सकते हो। हरी चटनी या सॉस के साथ इसको एंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगी। और इसमें आप चाहें तो और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आई होप ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।